डायमंड, कितने डबल डायमंड, वीनस, मरकरी, लोगों ने कॉल करना शुरू किया। जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उन लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि सर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा स्टेप ले लिया। उनको बात करना, लोग मिलने आ रहे हैं, उनको समझाना। आज से 2 दिन पहले हमने शुरुआत की है, व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, मैं सच में नहीं आना चाहता था, अभी लाइव आकर के बात नहीं करना चाहता था, कुछ मजबूरियाँ ऐसी आ गई जिसकी वजह से मुझे आज लाइव आना पड़ा। मैं इन चीज़ों में नहीं विश्वास रखता कि कोई कुछ क्या कहता है और मैं क्या जवाब दूँ। आज 15 साल मुझे हो गए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर और एक ही कंपनी के साथ काम करते करते, सेफ सॉफ कंपनी के साथ काम करते करते, और इन 15 सालों के दरमियान मैं कभी इस पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता, मेरे नेचर में नहीं, मैं नहीं चाहता कि किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करूं। मैं सिर्फ अपना काम किया और सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोचा, सिर्फ उन लोगों के बारे में सोचा जिन्होंने मुझ पर भरोसा करा, जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ी, जिन्होंने मेरे तरफ मेरी आँखों में डाल करके देखा कि सर क्या मेरे सपने भी पूरे होंगे, और मैं उनके सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। अपना घर परिवार, बीबी बच्चे भी छोड़ने पड़े तो छोड़ दूंगा, मेरी वाइफ भी सुन रही होगी, माँ बाप को छोड़ना पड़े छोड़ दूंगा, कंपनी छोड़ना पड़े छोड़ दूंगा, दुनिया छोड़ना पड़े छोड़ दूंगा, लेकिन अपने एक एक लोगों के सपने को पूरा कराऊंगा, ये मेरा वादा है खुद से और मेरे सभी साथियों से। और जो लोग मेरे साथ हैं सबको मालूम है कि मैं वादा का मतलब सुबोध तिवारी के दिल में जीहन में क्या है, जब मैं वादा करता हूं तो उसको कैसे निभाता हूं। सुबोध तिवारी दुनिया जानती है मरता मर जाएगा, वादे से नहीं मुकरेगा। ऐसा नहीं होगा कि स्टेज पे खड़ा होकर कुछ बोलेगा और 1 महीने बाद कभी कुछ बोलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। कहानी सुनाऊं हुआ क्या, उससे पहले मैं एक वादा कैसा होता है, वादा कैसे करते हैं और वादा कैसे निभाते हैं उसके बारे में एक अपनी पास्ट की एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूं। आज से 15 साल पहले जब मैं दोस्तों सेफ सो बिजनेस में आया था और जब मैं सिल्वर का प्रमोशन लिया, तो सिल्वर बनने के बाद एक आउटस्टेशन ट्रिप था दिल्ली से बाहर, जहाँ पे एक बूट कैंप ऑर्गेनाइज की गई थी और मेरे 20 से 25 एसोसिएट बैठे थे। मैंने स्टेज से खड़े होकर के नादानी में एक बात बोली थी, जब मैं नादान था, मैं सिल्वर लेवल पे था, एक सिल्वर कितना मैच्योर होता है आप जानते हैं, मैंने नादानी में एक बात अपने लोगों को बोला था कि मेरे टीम से जो पहले 10 डायमंड बनेंगे उनको मैं स्विट्जरलैंड लेकर जाऊंगा। मुझे नहीं पता था स्विट्जरलैंड लेकर जाने में कितने पैसे खर्च होते हैं, मुझे नहीं पता था कि कितना मुश्किल होता है वीज़ा लगवाना, कुछ नहीं मालूम था मेरे दोस्त, लेकिन मैंने वादा करा था। और जब वादा निभाने का वक्त आया तो जब कंपनी की तरफ से स्विट्जरलैंड लोग जा रहे थे तो मैंने वो वादा निभाया, पहले ट्रिप में मेरे 10 डायमंड बन गए थे और मैं 10 के 10 लोगों को अपने खर्चे के ऊपर लेकर के गया और सारी दुनिया जानती है और मेरे पैरेलल नेटवर्क से लोग जानते हैं, मेरे अपलाइन जानते हैं, मेरा डाउनलाइन जानते हैं कि वादा का मतलब सुबोध तिवारी के जेहन में क्या होता है। वादा का मतलब इतना ही है मेरे दोस्त कि मैंने अगर आपको वादा कर दिया तो मैं गर्दन तो कटा सकता हूं लेकिन जुबान नहीं फेर सकता। मुझे घर बेचना पड़े मैं बेचूंगा लेकिन वादा पूरा करूंगा। मुझे खुद को बेचना पड़ेगा मैं बेचूंगा लेकिन वादा निभाऊंगा। जो लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं उनको समझ में आ जाएगा, उनको जवाब मिल जाएगा। मैं नहीं चाहता था कि फेसबुक पे आकर के बातें करूं, मैं तो अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन कुछ लोगों की फितरत होती है जो अपने घर में नहीं देखते, दूसरे के घरों में देखते हैं। कुछ कंपनियों के ऐसे लोग हैं जिनको इससे मतलब नहीं है कि उनके घर में क्या हो रहा है, उनको इससे मतलब है कि दूसरों के घर में क्या हो रहा है, उनको इस बात से मतलब है कि सेफ शॉप में क्या हो रहा है, उनको इस बात से मतलब है कि इवॉल्व इंडिया में क्या हो रहा है। पहले मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, मेरा फोटो लगाना शुरू कर दिया अपने स्टेटस के अंदर, मेरे कम रूट प्योर का कोई ब्रोशर के कोई पेज उनको मिल गए थे, उसका पोस्टर लगाना शुरू कर दिया कि लो जी ये दूसरी कंपनी में चले गए। तो सुन लो, पहले तुम सभी, मेरी टीम सुन रही है, तुम भी सुन लो, कहीं चले नहीं गए, आ गए हैं
अब तुम सब बिल में घुस जाओगे, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। 6 महीने और 1 साल में देखना, क्योंकि नेक नियत में बरकत है, किसी ने खूब कहा है। और तुम लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि दम है अपने लोगों की बातें करो, दूसरों की बातें नहीं करो। आज मैं सेब शॉप में आ गया तो मैं सेब शॉप की बात नहीं करूँगा, सिर्फ रूट प्योर की बात करूँगा। तुम्हारे में दम है तो तुम अपनी बातें करो, तुम दूसरे की बातें मत करो। दूसरों के घर में झांकने वाले को क्या बोलते हैं मालूम? मैं वैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, समझदार को इशारा काफी है। कुछ अभी देख रहे हैं, कुछ बाद में देख लेंगे, समझ जाओ। मजे लेने छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारे मजे लेने के दिन गए।